हेलो फ्रेंड्स, खेड़ू समृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नर्सरी में हैं और यहाँ पे मेरे पीछे एक मैंगो की प्लांटेशन है। इसको बैग में तैयार किया गया है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, यहाँ का कंटेंट पसंद है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आम का पौधा जब एक छोटे प्लास्टिक बैग में होता है, उससे फिर हम बड़े में कैसे ट्रांसफ़र करें और क्यों करें, उसके फ़ायदे क्या हैं। ये जो आम का पौधा है, ये 6x8 के बैग में तैयार किया गया था और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ये थोड़ा झूलने भी लगा है और इसकी जो रूट जोन है, इसमें जगह नहीं है। तो अगर इसको बढ़ना है तो हमें इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा दूसरे बैग में। अभी आप देख सकते हैं ये जो बैग है, ये 9x12 है। वो छोटे पौधे को इसमें ट्रांसफ़र किया गया है और इसमें मिट्टी के साथ वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा और प्रॉम भी डाला गया है। इसमें ये सारा खाद इसलिए डाला गया है क्योंकि अब ये पौधा और बढ़ेगा और उसको और पोषण की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिक खातर अगर हम डालें, वर्मी कंपोस्ट, प्रॉम और ट्राइकोडर्मा, तो इसकी ग्रोथ जो है वो गारंटीड है कि अच्छी होगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको खास ध्यान रखनी है कि इस पौधे को सपोर्ट चाहिए। जब तक ये सपोर्ट इसको नहीं मिलेगा, ये सीधा नहीं रहेगा, तब तक इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसलिए पौधे के साथ साथ यहाँ पे लकड़ी या बांस के साथ इसको जोड़ना है और साथ में यहाँ पे धागे से इसको टाई भी कर देना है ताकि ये सपोर्टेड रहे। बस इस वीडियो से रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए।